सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी मातर शक्ति, प्यारे बच्चों और मीडिया कर्मी, आप सबका बहुत बहुत जोड़कर धन्यवाद कि आपने धर्मपाल की शहादत को अपने मंच तक, अपनी मंजिल तक पहुंचाया। जिस धर्मपाल जियों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, इससे ऊपर मेरे ख्याल से देशभक्ति के लिए हमें कुछ बताने और करने की जरूरत नहीं। मैं एक बार फिर धर्मपाल जी की शहीदी को सत सत नमन करती हूँ और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि इस शहादत को आप खराब मत जाने दीजिए। अपने बच्चों के अंदर जब भी आपको मौका लगे, आपकी गौशाला है यहाँ पर, आप उनको लेके आइए, गौओं की सेवा करने का उनके अंदर जज्बा पैदा करिए और जो हमारे धर्मपाल शहीद हुए हैं उनकी जो हमारी कहानी है, आज एक इतिहास बन गया, उस इतिहास को दोहराने की कोशिश कीजिए ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो कहते हैं, जो आज के टाइम कहते हैं ना हिंदू हिंदू हिंदू, हमें अपने बच्चों के अंदर वो गुण डालने हैं हमारी इन शहादतों को दिखा के। और मैं एक बार थोड़े से विचार इस सरकार के ऊपर भी, बार बार शहादतें ना देनी पड़े, कुछ ऐसा कीजिए, मंजिल तो हमारी वही है, जरा सा रास्ता बदल दीजिए, क्योंकि हमने रास्ता बदलना पड़ेगा, नहीं तो हमने 2024 तक तो ये नहीं पता हमने कितनी शहादतें देनी पड़ेंगी, कब तक हम आखिर लड़ते रहेंगे, मिटते रहेंगे, कटते रहेंगे और शहादतें देते रहेंगे, और कब तक हम फूल चढ़ाते रहेंगे, आखिर क्यों इस चीज का, आखिर क्यों ये सत्ताधारी भी और किसान नेता भी, मुझे इस क्यों का जवाब चाहिए। क्या हमें अपनी रणनीति नहीं बदलनी चाहिए? क्या हमें बार बार टकराव की बजाय सरकार को ऐसे रास्ते से मारना चाहिए कि सरकार को ये पता चले कि आखिर आप लोग हमसे गलत पंगा ले रहे हैं, हम एकता के साथ, अखंडता के साथ अपनी मंजिल को नहीं पा रहे, इसका कुछ ना कुछ कारण है, उसके अंदर है एकता, जो हमारी सरकार को पता चल गया है कि हमारे संगठन अलग अलग हैं, हमारे झंडे अलग अलग हैं और इन झंडों और संगठनों की वजह से आज हमारी ताकत बटी हुई है। तो मेरी हाथ जोड़कर किसान नेताओं से एक अपील है कि आप एक तिरंगा या जो तिरंगा है उसके नीचे लड़ना शुरू कीजिए, नहीं तो आप संगठन बनाते रह जाएंगे और ये सरकार दोबारा से बीजेपी की सरकार सत्ता में होगी और ये आपके मुंह पे तमाचा होगा, जो आज एक मतलब मैं स्टेज से कह रही हूँ, कल लोगों को आपको जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा। वक्त रहते वक्त की नजाकत को देखिए, आपके संगठन है बहुत अच्छी बात है, पर लड़ाई हमेशा तिरंगे के नीचे लड़ना शुरू कीजिए। और रही बात सत्ता की, सत्ता का आप लोगों को पता है, आने वाले टाइम में हमारे जो विधानसभा है आपके आदमपुर में एक बाई इलेक्शन होने जा रहा है, तो मैं किसान नेताओं से कहूंगी कि यहां से अपना एक नेता उतारने की कोशिश कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए 2024 का, क्योंकि जब तक कागज कलम और कानून पे कब्जा नहीं होगा हम कुछ नहीं बदल सकते, चाहे हमें 75 साल और लड़ना पड़े। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करो, इस समस्या का समाधान व्यवस्था परिवर्तन है, लड़ना मरना कटना नहीं। हम कब तक इसका बार बार सरकार का सामना कर पाएंगे, कितनी शहादतें हम देंगे, हम शहादतों से थक चुके हैं, हम चाहते हैं रास्ता बदला जाए, सरकार की कमर सरकार के रास्ते से तोड़ी जाए, सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन। और इसका आगाज या खेतड़ की तरफ से या हिसार की तरफ से एक्सपेरिमेंट के लिए आदमपुर और आने वाले पंचायत चुनाव में आपको एक एक आदमी को देखना है, पूरी तरह किसान जो संयुक्त मोर्चा है उसको वहां से आदेश देना चाहिए, जैसे टोल और बॉर्डरों को बंद करने के लिए देते हैं, जैसे लड़ने के लिए देते हैं, पूरी तरह बीजेपी और जेजेपी समर्थित जो भी कैंडिडेट होगा उसको हम वोट नहीं देंगे ताकि सरकार का सीतावार हो। और दूसरा, हम एक कृषि क्रांति, यानी हमें व्यापारी बनना पड़ेगा, अपनी चीजों का हमें मूल्य निर्धारित करना पड़ेगा, अपने स्टोर बनाने पड़ेंगे, अपने स्टोरों से सामान खरीदना पड़ेगा, ताकि जो किसान है, किसान जो है किसान की दुकान हो, इन व्यापारियों की कमर टूटे और जो पैसा हमसे ज्यादा लेके ये लोग आने वाले टाइम में इन जो नेताओं को है, पार्टियों को है, जो डोनेशन करते हैं उस डोनेशन के ऊपर कब्जा किया जाए। तो डोनेशन नहीं देंगे तो पार्टियां नहीं चलेंगे, और पार्टियां नहीं चलेंगे तो हमारे वोट खरीदे नहीं जाएंगे, और वोट खरीदे नहीं जाएंगे तो हम अच्छे लोगों को आगे ले पाएंगे।
तो मेरी हाथ जोड़कर दोबारा से आप लोगों से निवेदन है कि हमें राजनीति को रणनीति से कैसे मारना है इसके ऊपर विचार जरूर किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।